हेलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। जैसा कि यूपी SSC आयोग आपको भी पता है कितना लेट वर्क करता है, भर्तियों में चार चार पाँच पाँच साल निकाल देता है, लेकिन भर्तियां कंप्लीट नहीं होती हैं। और भर्ती कोई हो भी जाती है तो उसे बाद में भी रद्द कर दे तो आप कह नहीं सकते हो। जैसा कि पहले वीडियो का पेपर हुआ, रिजल्ट आया, मिठाइयाँ बटी, खुशी गम में बदल गए। यूपी SSC पैट, इससे रिलेटेड सारी बातें करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट, जिसके लिए पहले 1262 पद के लिए भर्ती होनी थी, 21 नवंबर 2022 को नोटिफिकेशन आता है। अब मार्च भी ख़त्म होने को है, 4 मंथ प्लस हो चुके हैं, 4+ मंथ हो चुके हैं, बट अभी इसका कुछ नहीं है। 2023 का जो पैट हुआ, 2023 का सॉरी 2022 का पैट हुआ, उसका भी रिजल्ट 25 जनवरी को आया, 25 जनवरी 2023 को आया, जो कि आपको बताया 2024 25 जनवरी तक वैलिड है। इस 25 जनवरी को रिजल्ट आने के बाद 1 साल तक वैलिड रहता है। 2 मंथ तो इसमें भी निकल गए, 2 मंथ तो इसमें भी निकल गए। ना इससे कोई भर्ती देखने को मिली आपको, ना ही 2023 का यूपी SSC के द्वारा कोई कैलेंडर देखने को मिला आपको। 2023 का यूपी SSC के थ्रू कोई कैलेंडर देखने को मिला कि 2023 में यूपी SSC आखिर भर्ती कौन सी कराएगा। तो ऐसा अनुमान है 2022 के जो पैट है उसके अकॉर्डिंग होना भी चाहिए। ग्राम पंचायत अधिकारी के 1500 पद, ग्राम पंचायत अधिकारी के 1500 पद, वहीं ग्राम विकास अधिकारी के लगभग, आप प्लस माइनस भी प्लस कर सकते हैं, ग्राम विकास अधिकारी के लगभग 2100 पद, कनिष्क सहायक के लगभग 3000 पद, लेखपाल के, क्योंकि लेखपाल में जो इन्होंने डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग भी, लेखपाल में जितनी यूपी में लेखपाल के पदों की का सृजन है उसके अकॉर्डिंग भी 4000+ पद खाली हैं यूपी में लेखपाल के, ये 8000 भर्ती होने के बाद भी। तो हो सकता है 2022 वाले पैट से ये 4000 लेखपालों के लिए आपको भर्ती देखने को मिल जाए। गन्ना पर्यवेक्षक है, और भी बहुत से पद हैं, लेकिन यूपी SSC आयोग, जो गवर्नमेंट यूपी SSC आयोग है, वो वर्क ही नहीं कर रहा है, अपना वर्क ही सही से नहीं कर रहा है। इस आयोग में जो सदस्य हैं, क्या उन्हें वेतन नहीं मिल रहा? उन्हें वेतन तो टाइम से मिल रहा है, और किसके लिए मिल रहा है उन्हें खुद पता है, लेकिन फिर भी यूपी SSC आयोग वर्क नहीं कर रहा है। ना बस उम्र निकलती जा रही है स्टूडेंटों की, स्टूडेंट भी क्या करें। बट जो यूपी SSC के अलावा भी यूपी में वैकेंसी आनी है पुलिस की, यूपी में जो पुलिस की कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल की लगभग 35000 पदों की बात हो रही है, 35000 पदों की, वहीं SI के भी 3000 पदों पर भर्ती होनी है। SI में भी 3000 पदों पर भर्ती होनी है। अब इस पे बात करते हैं, जो जूनियर असिस्टेंट 1262 पद थे, इस पे कब आ जाएगा आपका? जैसे कि आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड के लिए आ चुका है, और फॉरेस्ट गार्ड की जो मेरिट रुकी है जनरल की, वो 75 नंबर रुके हैं, परसेंटाइल तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। उसी तरह से 1262 पदों पर, जैसा कि आप सभी को पता है, लगभग 72 से 75 के समथिंग नंबर जिसके हैं उन्हें ध्यान रखना है, उन्हें चेक करते रहना है। और जैसा कि कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि यूपी पैट
2023 होगा या नहीं, 2023 यूपी पैट होगा या नहीं। जैसा कि सभी को पता है 2022 का जो पैट है, 2022 का जो पैट है उसकी वैलिडिटी 25 जनवरी 2024 तक है, 25 जनवरी 2024 तक है। जैसा कि आपने 2021 के पैट के बारे में भी देखा था, 2021 का जो पैट हुआ था उसकी वैलिडिटी और बढ़ा दी गई थी, उसकी वैलिडिटी और बढ़ा दी गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि वैलिडिटी गवर्नमेंट बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती है। ऐसा नहीं सोचना कि घटा भी सकती है, घटा नहीं सकती है, बढ़ा भी सकती है। तो 2023 में जो पैट होगा, तो जो लास्ट के मंथ हैं अक्टूबर नवंबर, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, उससे शायद पहले नहीं होगा। तो अगर आपका कोई भी प्रश्न हो या आपको कोई भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय।